हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW डार्क एलिवेशन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो गाइस, आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारी वीडियो आने से भी पहले पता चलते हैं। तो हमारे चैनल की एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं जानने के लिए ये वीडियो देखना मत भूलना। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप फिर एक बार ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया में AEW की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और ये कैसे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। लेकिन गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, AEW के डार्क एलिवेशन शो की शुरुआत AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर रेने मिशेल रेड वेलवेट को फेस कर रही थी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस, जब इस मैच के लिए रेड वेलवेट अपना एंट्रेंस कर रही थी तभी रेने मिशेल ने रेड वेलवेट के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि इस मैच की शुरुआत में रेने मिशेल ने इस मैच में डोमिनेट किया। पर फाइनली इस मैच में अपना कमबैक कर रेड वेलवेट ने रेने मिशेल के ऊपर अपने बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स लगाए और आखिरकार रेने मिशेल के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर रेने मिशेल को पिन कर रेड वेलवेट ने यह मैच जीत लिया है, जो मैच एक काफी छोटा मैच था। और अगर ये मैच AEW के डायनामाइट शो के ऊपर होता तो आप बेसिकली इसे एक स्क्वैश मैच ही कह सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर ये मैच जीतने के बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर रेड वेलवेट की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस, इसके बाद हमें AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर कैप्टन शॉन डीन पीटर एवलॉन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस, ये मैच स्टार्ट होने के बाद ही पीटर एवलॉन शॉन डीन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर हर बार की तरह यहाँ पर पीटर एवलॉन का अटैक पीटर एवलॉन पर ही भारी पड़ गया। और ये मैच शुरू होने के बाद पीटर एवलॉन के ऊपर लगातार 2-3 मूव्स लगाकर फाइनली पीटर एवलॉन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर पीटर एवलॉन को पिन कर शॉन डीन ने ये मैच जीत लिया है। और पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर इस शो के ऊपर शॉन डीन के लिए काफी अच्छा सपोर्ट था और इस वजह से हो सकता है कि शायद जैक्सनविल शॉन डीन को होम टाउन है। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर टेसा प्राइस हिकारू शीडा को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस, इस मैच के शुरुआत में तो टेसा प्राइस काफी खुश इंसान दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ये मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही टेसा प्राइस ने हिकारू शीडा के ऊपर एक क्रेजी वुमन की तरह अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर टेसा प्राइस रूल्स तोड़कर जरा भी केयर ना करती हुई हिकारू शीडा के ऊपर अटैक कर रही थी, जो देखकर रेफरी एक बार टेसा प्राइस के ऊपर चिल्लाया और इसी में हिकारू शीडा को इस मैच में अपना कमबैक करने का मौका मिला, जिसके बाद हिकारू शीडा ने टेसा प्राइस के ऊपर अपना फिनिशर फाल्कन एरो लगाया और यहाँ पर टेसा प्राइस को पिन कर हिकारू शीडा ने मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे हिकारू शीडा के लिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक के डायनामाइट शो के बाद एक बैकस्टेज इंटरव्यू में बात करते हुए एलेक्स ग्रासिया ने डार्बी एलन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर एलेक्स ग्रासिया का कहना यह है कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के साथ थे, इसीलिए डार्बी एलन लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एलेक्स ग्रासिया को डिफीट कर पाए। पर अब एलेक्स ग्रासिया चाहते हैं कि डार्बी एलन एलेक्स ग्रासिया को एक सिंगल्स 1-on-1 मैच में फेस करे, इसलिए यहाँ पर एलेक्स ग्रासिया ने डार्बी एलन को इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एक सिंगल्स 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इनका मैच कैसा होता है। पर गाइस, इसके बाद इस वीक के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर सोनिकिस और जोई जिनेला का एक टैग टीम मैच था, जिस मैच के लिए सोनिकिस और जोई जिनेला अपने एंट्रेंस कर रहे थे, पर तभी पता नहीं क्या हुआ लेकिन अचानक से ही जोई जिनेला ने सोनिकिस के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि सोनिकिस उनके टैग टीम पार्टनर है। और यहाँ पर सोनिकिस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर जोई जिनेला यहाँ से जा रहे थे और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जोई जिनेला और सोनिकिस का मैच जिनके अगेंस्ट होने वाला था उन्होंने सोनिकिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर जोई जिनेला आ गए और यहाँ पर आकर जोई जिनेला ने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। पर इस सबके बाद जोई जिनेला सोनिकिस को एक स्टैंडिंग रैंप के ऊपर ले गए और वहाँ पर जाकर जोई जिनेला ने सोनिकिस के ऊपर एक पाइल ड्राइवर लगाया, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली जोई जिनेला और सोनिकिस अलग अलग हो चुके हैं और यहाँ पर जोई जिनेला का हील टर्न हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जोई जिनेला का AEW कंपनी में फ्यूचर कैसा होता है और क्या आप सिंगल सुपरस्टार होने के बाद जोई जिनेला AEW कंपनी के अंदर सक्सेस पा पाते हैं या नहीं। पर गाइस, इसके बाद AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर ब्रायन केज RSP को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस, ये मैच स्टार्ट होने के बाद ही ब्रायन केज ने RSP के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली ब्रायन केज ये मैच स्टार्ट होने के बाद लगातार 2-3 मूव्स में ही मैच खत्म कर देंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली RSP को भी इस मैच में कमबैक करने का मौका मिला और RSP ने ब्रायन केज के ऊपर लगातार 2-3 किक्स लगाकर RSP ब्रायन केज के ऊपर एक टॉप रोप मूव लगाने के लिए गए, जो कि RSP की गलती साबित हुई। और ये मूव रिवर्स कर ब्रायन केज ने RSP के ऊपर एक डिस्कस क्लोज लाइन लगाई, जिसके बाद एक काफी तगड़ा पावर बम लगाने के बाद ब्रायन केज ने RSP के ऊपर अपना फिनिशर F5 लगाया और यहाँ पर RSP को पिन कर ब्रायन केज ने यह मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स और ब्रायन केज की स्टोरी लाइन के अंदर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर जेड कारगिल एम्बर नोवा को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस, मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर एम्बर नोवा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है। पर सरप्राइजिंगली जब ये मैच स्टार्ट हुआ तब जेड कारगिल ने एम्बर नोवा के ऊपर एक किक लगाई और एम्बर नोवा के ऊपर लगातार 2-3 मूव्स लगाने के बाद एम्बर नोवा के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर एम्बर नोवा को पिन कर जेड कारगिल ने यह मैच जीत लिया है, जो फिर एक बार बेसिकली एक स्क्वैश मैच था। और कहना पड़ेगा कि इस मैच से AEW ने जेड कारगिल को अपनी कंपनी के अंदर काफी तगड़ा सुपरस्टार दिखाया है। पर मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए AEW को एम्बर नोवा को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एम्बर नोवा भी काफी अच्छी रेसलर है और मेरे हिसाब से यहाँ पर जेड कारगिल
कारगिल का मैच किसी और सुपरस्टार के अगेंस्ट होना चाहिए था, जहां पर अगर जेड कारगिल इतने डोमिनेटिंग फैशन में जीतती तो मुझे नहीं लगता कि उनके अपोनेंट को कोई ज्यादा फर्क पड़ता। पर यह मैच देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली यह मैच हारने के बाद एम्बर नोवा का AEW कंपनी के अंदर मोमेंटम टूट सकता है। पर इसके बाद AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर जुरासिक एक्सप्रेस साइरस और चार्ली ब्रावो को फेस कर रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यह मैच स्टार्ट होने के पहले भी साइरस और चार्ली ब्रावो ने जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अटैक कर दिया। और जुरासिक एक्सप्रेस के एंट्रेंस के दौरान जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अटैक करने के बाद AEW ने यह मैच ऑफिशियली स्टार्ट किया, जिस मैच के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस ने साइरस और चार्ली ब्रावो के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए और फाइनली लुचासोरस ने चार्ली ब्रावो के ऊपर अपना फिनिशर चोकस्लैम लगाया, जिसके बाद जंगल बॉय ने चार्ली ब्रावो के ऊपर अपना फिनिशर स्नेयर टैप लगाया। और यहां पर जंगल बॉय अपनी टीम के लिए सबमिशन के सहारे यह मैच जीत चुके हैं, जो पता नहीं क्यों लेकिन फिर एक बार स्क्वैश मैच था और ये देखने के लिए मुझे काफी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि AEW का डार्क और डार्क एलिवेशन शो AEW के लिए एक डेवलपमेंटल ब्रांड की तरह है और मुझे नहीं लगता कि AEW को अपने डेवलपमेंटल ब्रांड के ऊपर इतने सारे स्क्वैश मैचेस करवाने चाहिए, क्योंकि इससे AEW कंपनी के ऊपर कम्पीट करने वाले बाकी सारे सुपरस्टार्स को एक्सपोजर नहीं मिलता। और मैं होप करता हूं कि आज के बाद AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर इतने सारे स्क्वैश मैच ना हो। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था AEW के डार्क एलिवेशन शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैट और माइक सैडल यानी कि सैडल ब्रदर्स लुचा ब्रोस को फेस कर रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच AEW कंपनी के दो बहुत ही बढ़िया टैग टीम्स के बीच में था, जो कि एक बहुत ही बढ़िया हाई फ्लाइंग टैग टीम है, जिस वजह से हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहां पर माइक सैडल ने रे फिनिक्स के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी और मैट सैडल ने भी पेंटाइल जेरोम के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और इस मैच के अंदर भी हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले और मुझे लगता है कि AEW के डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर सिर्फ लुचा ब्रोस की ही मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस होते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर लुचा ब्रोस एक काफी बड़े स्पॉट के लिए जा रहे थे, लेकिन सैडल ब्रदर्स ने उस स्पॉट रिवर्स कर दिया और सैडल ब्रदर्स ने रे फिनिक्स के ऊपर डबल मीडियोरा लगाया, लेकिन इससे भी सैडल ब्रदर्स ये मैच नहीं जीत पाए और फाइनली लुचा ब्रोस ने सैडल ब्रदर्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर सैडल ब्रदर्स को पिन कर लुचा ब्रोस ने ये मैच जीत लिया है। और लुचा ब्रोस की विक्ट्री के साथ ही इस वीक का AEW का डार्क एलिवेशन शो खत्म हुआ। जिस शो के बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि AEW को अपने डार्क और डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर काफी सारे स्क्वैश मैचेस नहीं करवाने चाहिए, तो अब देखते हैं कि क्या हमें इसके बाद AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर काफी सारे स्क्वैश मैचेस देखने को मिलते हैं या नहीं। और गाइज अब मैं मिलता हूं आपको रात की वीडियो के अंदर, जहां पर हम AEW कंपनी के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। हे डिड यू लाइक दैट वीडियो, क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर। And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?